हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फूड किचन। तो चलो आज चलते हैं कच्चे कैरी के पन्ने बनाने। जैसे कि गर्मियों का सीजन चालू हो चुका है, उसके लिए हमें कुछ ठंडा ठंडा चाहिए, तो आओ इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए एक कैरी। कैरी के छिलके अच्छे से निकाल लेना है हमें। छिलके अच्छे से निकालने के बाद हम इसके छोटे छोटे स्लाइसेस ऐसे कट कर लेंगे। स्लाइस कट करने के बाद हमें गैस पे पानी गर्म होने के लिए रखना है। पानी में बॉईल आ जाए तो हम इसमें जो स्लाइसेस कट किए हमने कैरी के, वो ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ पे स्लाइसेस बहुत ही बारीक बारीक कट किए हैं, बिकॉज ये जल्दी से पक जाए। अब यहाँ पे इसे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम इसे 5-10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम गैस पे इसे ढक के रख देंगे। अब इसे हम 5-10 मिनट के बाद चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा कलर आया है। अब हम चेक करते हैं कि यह कैरी जो है पक चुकी है या नहीं। अब यहाँ पे हम नाइफ की हेल्प लेके कैरी को चेक करेंगे। ये देख सकते हो आप लोग, ये इजीली कट हो रही है। चलो एक और स्लाइस लेके कट करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इजीली कट हो रही है, इसका मतलब हमारी जो कैरी है वो अच्छे से पक चुकी है। तो हमें ये ठंडा करने के बाद हमें जो कैरी है वो साइड में एक मिक्सर जार में निकाल लेना है। हमने यहाँ पे कैरी मिक्सर जार में निकाल ली है और पानी उसका अलग रख दिया है, वो हम बाद में यूज करेंगे। इसमें हमें अभी शुगर 1/2 बाउल यूज करना है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे हमने भुने हुए जीरा पाउडर यूज किया है। इसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। सॉल्ट 1/2 टीस्पून। 1 कप कोल्ड वाटर। अब इसे हम मिक्सर में अच्छे से बारीक पीस लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये घोल तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें 2 ग्लास वाटर ऐड करना है। इसकी कंसिस्टेंसी पतली होनी चाहिए, ज्यादा गाढ़ी ना हो। अब जो हमने उबाला हुआ पानी रखा हुआ था कैरी का, उसमें हम ये घोल ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो पन्ने है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1/2 आवर के लिए। अब ये जो पन्ने है ठंडा हो चुका है, अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। पन्ने का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, और ये जो पन्ने हैं वो हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।